यूं तो लाख दर्द मंद मिलते हैं, पर काम के लोग कुछ चंद मिलते हैं। और जब घड़ी मुसीबत की आती है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। अरे रुक जा चाचा, रुक जा, इनकी गलती नहीं है। इनके टीके वो लगे हुए हैं जो किसी के नहीं लगे, इनकी गलती नहीं है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, शुक्रिया। कोई बात नहीं। देखो ये बाबा श्याम हैं, जिसके भी हैं सुनो, दिखाओ घुमाओ जरा। क्या थोड़ा आ जाओ यार, आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तंग हो जाओगे। ये लड्डू गोपाल नहीं है खाटू वाले श्याम जी, ध्यान रखना। इनको घूमने की आदत नहीं है, ये स्थापित रहते हैं। जिनके भी घर में श्याम बाबा हैं, उनको इस तरह मत लेकर आइए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आपके नहीं है, मैं मानता हूं बहन जी, मुझसे मिलने आए हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा संदेशा लेकर आए हैं। दुनिया के कितने ही श्याम बाबा अपवित्र होने से बचा दिया आपने, ये शीश का दान दिया। क्या वो शीश को लेके गली गली घूमेंगे क्या? बताओ घूमेंगे क्या? बाबा श्याम का अगर घर में रखा हुआ स्वरूप तो ये लड्डू गोपाल नहीं है साहब। मैं तो कहता हूं लड्डू गोपाल को भी ले लेके नहीं घूमना चाहिए। जो हमारी रक्षा करता है उसकी हम क्या रक्षा करेंगे साहब? जो हमारी रक्षा करे, आइए प्लीज। जिनके भी हैं वो बुरा ना माने, लेकिन कल से बाबा श्याम के इस रूप को लेके गली गली ना घूमे। और ये जो 100 रुपए 200 रुपए जिसके भी देने के मन में आ रहा है ना, अपनी जेब में रखो। मुझे जितना चाहिए 3 बार बात करके लाया हूं, अगर देना है तो कल किसी भूखे को भोजन कराना, मेरे से ज्यादा दुआ देगा। या फिर एक भगवा झंडा लेके आना, अरे लोना साहब, या फिर भगवा झंडा लेके आना, किसी दोगले हिंदू के घर के बाहर लगा देना। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थामे। ऋषभ, आजकल परिवार ऐसे हैं कि खुद ही परिवार के लोग दुश्मन हैं, बाहर के लोग दुश्मन नहीं हैं। जो भरोसा जितवाते हैं वही भरोसा हरवाते हैं। इसलिए झुकना तो बस बाबा के आगे झुकना। जो परिवार में एक बार झुकना अच्छा है, एक बार झुकना परिवार में अच्छा है, बार बार झुकने से आपके समझौते नहीं हो सकते साहब, नहीं हो सकते आज के जमाने में। इसलिए कहता हूं हाथ जोड़कर खड़े होकर बाबा को बोलना, जिन पर किया भरोसा मैंने छोड़ गए दो रोड पे। जिन पर किया भरोसा सुना दो मुरादाबाद वालों। तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू। बाण के कलाधारी कला मुझे देखो,
यार ऐसा मत करो यार, ये कोई परेड थोड़ी ना है। बताओ कैसे काम चलेगा, ये कोई परेड ग्राउंड थोड़ी ना है यार। प्लीज, वो एक आया था नीले कुर्ते में नाचने, उसके साथ मैं नाच लिया, तुम सारी सेटिंग में हो गए यार। माना तुम्हारी हमारी सेटिंग है, लेकिन थोड़ा उसके साथ भी तो सेटिंग है यार है? ये माला जो मेरे गले में डाल के जा रहे हैं, पता नहीं मैं आपको आशीष दूं कि नहीं दूं, लेकिन जिससे खरीदी है ना, कीर्तन के बाहर स्टॉल लगाया है, वो जरूर दुआ देगा सर। तीन बाण की कला धारी, कला मुझे भी दिखा दे तू। दर्शन इनको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के। लेने आजा ओए लेने, पूरी आवाज में गाओ एक बार लेने आजा मुरादाबाद के मोड़ पे। लोगों ने कहा तुम इतने वीआईपी थोड़ी ना हो जो लेने आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? शबरी अयोध्या नहीं गई थी, राम शबरी के घर आए थे। केवट गया था क्या? राम केवट के आए थे, बोले सुदामा के, सुदामा तो गया था, तो सुदामा दरवाजे तक गया था, लेने तो कन्हैया भी जूते उतार के गया था। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, तो कन्हैया को नाम है सुदामा है। बाबा की पूजा कैसे होती है? क्यों? क्योंकि पूजा का ऐसा कोई विधान ही नहीं है। माला कितनी लगानी है किसी को मालूम है? इतना इतना श्रृंगार होता है बाबा का, 21 की होनी चाहिए, कारण आरती है 21। माला कितनी लगनी चाहिए नहीं पता। भोग क्या लगना चाहिए नहीं पता क्या है।
अरे ये क्या बिगाड़ेगा, इससे बड़े बड़े कीड़े तो आसपास है हमारे। जो जय श्री राम के नाम से नफरत करते हैं वो कीड़े ही है और क्या है, जान थोड़ी ना उनमें, जान तो उनमें है जिनमें राम होते हैं सर। हिंदू हिंदू कोई बकरी का बच्चा नहीं है, हिंदू बब्बर शेर का बच्चा है। तो कीड़े वीड़े की चिंता मत किया करो, कोई नहीं जानता बाबा की पूजा कैसे होगी। सम्मान कर किसी की बात का, देखो बाबा का निधान देखो क्या बात है, किसी की भी बात का सम्मान करके पूज दिया वो मान गया, किसी भी बड़े की बात को मानकर पूज दिया वो मान गया। इसका मतलब मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। का सेठ सेठों का सेठ।